जानते हैं माया के विभिन्न वार पर विजय प्राप्त करने की विधियां, या कहें मायाजीत बनने की युक्तियां। संगम युग में युधिष्ठिर बाबा हम जो सभी युद्ध के मैदान में रूहानी योद्धे उपस्थित हैं, उन रूहानी योद्धों को मायाजीत बनने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते रहते ही हैं। किसी ने कहा है, माया महाठगन मैं जानी। माया हमारे सामने विभिन्न रूप में आती ही रहती है, इसलिए माया को बहुरूपी भी कहते हैं। और विशेष देह और देह के पदार्थ और देह के संबंधों के द्वारा माया हम पर वार करती ही रहती है। माया के जो वार होते हैं, उस वारों से जो योद्धे स्वयं को बचा कर रखते हैं और विजय स्थिति अनुभव करते हैं, उन्हें वीर कहते हैं। और माया के वारों से बचने वाले जो वीर होते हैं, वीरों में भी जो वीर होते हैं उन्हें महावीर कहते हैं। तो इस संगम युग पर माया पर पूर्णतया विजय प्राप्त करने वाली 108 आत्माएं वैजयंती माला में पिरोए जाते हैं और उनका गायन और पूजन द्वापर युग से होता आता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि माया का जन्म कब हुआ है और कैसे हुआ है। तो माया का जन्म द्वापर युग से होता है और देह के वाहन से माया का जन्म होता है। 10 सिर वाला जो रावण होता है, 5 विकार और 5 पतित तत्वों का प्रतीक, उस रावण को जब राम वध करने जाता है, जैसे जैसे वार करते हैं, तीर मारते हैं, एक सिर को तीर मारा, सिर कटता है, पुनः वो जुट जाता है, हाथ को तीर मारा, हाथ कटता है, पुनः वो जुट जाता है। तो जब रावण का भाई विभीषण राम को इशारा देता है कि रावण को अगर नष्ट करना है तो उसके नाभि में तीर मारो, और जैसे ही नाभि में तीर राम मारते हैं तो रावण का अंश और वंश समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही माया का केंद्रीय बिंदु, सेंटर पॉइंट जो है, वह देह का वाहन है, देह का अभिमान है। जब हम देह अभिमान को तीर मारते हैं, ज्ञान और योग के बाण मारते हैं, तो माया रावण का समूल विनाश हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं
देह सहित देह के संबंधों को भूलकर मुझ एक बाप को याद करो। तो जितना जितना हम देहाभिमान से न्यारे होते हैं उतना उतना हम बाप के प्यारे होते हैं, बाप से समीपता की अनुभूति करते रहते हैं। संगम युग में हर पल हर घड़ी हमारा माया से युद्ध होता रहता है। बाबा ने कहा है, वर्तमान समय आप गुप्त योद्धा हो, अननोन वॉरियर हो, लेकिन बहुत जल्दी ही वर्ल्ड वेल नोन अर्थात विश्व में प्रख्यात होने वाले रूहानी योद्धे हो। तो माया पर विजय प्राप्त करने के लिए माया से हमारा युद्ध कैसा होता है, उस युद्ध में हम कैसे विजयी बन सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये हमें जाने कि माया से हमारी बॉक्सिंग कैसी होती है। हम जब स्वयं को देह रूपी बॉक्स समझते हैं बजाय आत्मा रूपी चैतन्य हीरे के, तो माया हमें एक जोर से गुस्सा मारती है और हमें नीचे गिराती है। और उसके जो पांचों सेनानी होते हैं उनको कहती है इसकी खूब पिटाई करो, अच्छी तरह से खूब धुनाई करो इसकी। तो पांचों जो खिलाड़ी हैं, पांचों उसके जो डाकू हैं, जब आत्मा को बहुत पीटते हैं, विभिन्न प्रकार के वार करते हैं, तो आत्मा बेहोश हो जाती है। और बेहोश आत्मा की हालत देखकर रहम दिल बाबा आबू पर्वत पर आते हैं और आबू पर्वत से ज्ञान की संजीवनी बूटी बेचकर उस बेहोश आत्मा को सुंघाते हैं। तो जैसे ज्ञान के संजीवनी वह सूंघता है तो बेहोशी धीरे धीरे मिटने लगती है और हम होश में आने लगते हैं। माया से हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी, लेकिन जब हम भगवान का हाथ पकड़ते हैं तो माया हमारी दुश्मन बन जाती है। दुश्मन अर्थात दुष और मन, मन को दूषित करने वाली, मन में विकार का जहर घोलने वाली माया सदा हमारे पीछे पड़ी रहती है। तो माया के जो विभिन्न प्रकार के वार होते हैं उन वारों से बचने के लिए सदा विजय स्थिति की अनुभूति करने के लिए मुख्य 10 युक्तियां आपके सामने रखता हूं, जिन युक्तियों को धारण करने से धीरे धीरे आप अपनी स्थिति विजय स्थिति अनुभव करते जाएंगे। तो सबसे पहली युक्ति है अमृत वेले विजय का तिलक बाबा हमें लगाते हैं ऐसा अनुभव करें। जब बच्चा युद्ध के मैदान में जाता है
देश की सीमा पर जाता है तो मां उसको बड़े प्यार से विजय का तिलक लगाती हैं और वरदान देती हैं कि मेरे लाल अपने देश की सुरक्षा रखना, सदा विजयी बनकर रहना। तो ऐसे ही हमारी जो अलौकिक मां है शिव बाबा ब्रह्मा मां के द्वारा हमें अमृत वेले अमर भव का अर्थात विजयीपन का तिलक लगाते हैं और वरदान देते हैं, हे मेरे विजयी रतन, सारे दिन भर में दुश्मन के राज में रहते हुए स्वयं की रक्षा करना और राम राज्य स्थापन करने की सेवा में सदा तत्पर रहना। तो जब हम सारे दिन भर में विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव करते हैं तो हमारे चेहरे पर विजय का नशा, विजय की झलक और फलक स्वतः ही रहती हैं, जिससे माया हम पर वार नहीं कर सकती। अगर माया जाने अनजाने वार करती भी है तो उसका असर अपनी स्थिति पर नहीं होता है। इसलिए मैं सदा विजयी आत्मा हूं, महावीर आत्मा हूं, ऐसे तिलकधारी समझ कर रहने से माया जीत हम बनकर रहते हैं। दूसरी युक्ति है, अमृत वेले शक्तियों का अमृत प्राशन करने के बाद, विजय का तिलक लगाने के बाद हर दिन जो बाबा संजीवनी बूटी भेजते हैं, ज्ञान की मुरली जो भेजते हैं, उस ज्ञान की मुरली को, संजीवनी बूटी को अच्छी तरह से सूंघना है, अर्थात मुरली को अच्छी तरह से सुनना है। तो जो माया की बेहोशी होती है, सारे दिन पर जो माया के विभिन्न प्रकार के वार होते हैं, इधर उधर की वृत्ति का प्रभाव पड़ता है, तो ज्ञान की संजीवनी बूटी सूंघने से आत्मा सारे दिन भर में होश में रहती है। होश में रहना अर्थात मैं आत्मा हूं, इस होश में स्थित रहना। जो होशियार होते हैं वो सदा होश में रहते हैं, यह उनकी निशानी है। तो इसलिए प्रतिदिन ज्ञान की संजीवनी सूंघते रहना, इस पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। यह जो काया है यह माया की प्रॉपर्टी है और स्वयं को आत्मा समझना यह ईश्वर की प्रॉपर्टी है। तो हमें माया की प्रॉपर्टी को भूलना है और ईश्वरीय प्रॉपर्टी को अर्थात आत्मा के भान को सदा स्मृति में रखना है। तीसरी बात है,
मायाजित बनने के लिए सदा स्वयं को व्यस्त रखना सीखें। कहते हैं खाली मन शैतान का घर होता है। तो जब हमारा मन खाली होता है तो स्वतः अपना चांस लेती है और आत्मा पर वार करती है। इसलिए सारे दिन की दिनचर्या हम अच्छी बनाएं, मन का टाइम टेबल रखें। जो बहुत बड़े वीआईपी लोग होते हैं उन्हों का मिनट बाय मिनट टाइम टेबल होता है। तो हम भी बाबा के बड़े से बड़े बच्चे हैं और हमें भी अपने मन का टाइम टेबल सारे दिन कर भर का रखना है। विभिन्न प्रकार की अभ्यास, प्रैक्टिस, होमवर्क या ड्रिल जो बाबा हमें समय प्रति समय देते हैं, उसका अभ्यास करने के लिए मन को बिजी रखें ताकि माया को वार करने का मौका नहीं मिले। और बाबा ने भी कई बार कहा है कि उन्नति का साधन चार्ट रखना है। चार्ट ही आत्मा को स्मार्ट बनाती है। चार्ट ही हमें बिजी रह के सदा कैसे इजी रहें यह कला प्रदान करती है। इसलिए सारे दिन भर में अपने मन का टाइम टेबल बनाकर मन को व्यस्त रखें। चौथी युक्ति है अपने देह रूपी मकान में सदा आत्मा रूपी दीपक जलता रहे, इस पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि आत्मा का दीपक जब बुझ जाता है या बुझने लगता है तो जैसे ही अंधेरा होता है तो जहां होता है अंधेरा वहां होता है भूतों का डेरा। तो भूतेश्वर जो बाबा हैं, भूतों को भगाने वाला जो बाबा हैं, उन्होंने आते ही हमारे देह के मकान में बहुत सुंदर आत्मा का दीपक जगा दिया है। तो जैसे जैसे ज्ञान का गुरुत्व तो उसमें डालते हैं, अटेंशन को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे ये भूत भागने लगते हैं। जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। जंगल में शेर किसी को नहीं डरता है, केवल एक ही चीज को डरता है, अग्नि को वो डरता है। तो इस पुराने जंगल में रहते हुए आत्मा का दीपक जब जलता रहता है तो माया रूपी जो कागज का शेर है वो हमारे से स्वतः ही दूर भागता रहता है। इसलिए थोड़ा भी अगर हमारा अटेंशन इधर उधर जाता है तो माया रूपी जो बिल्ली है आत्मा के दीपक को बुझाने का प्रयास करती है। थोड़ा भी अटेंशन इधर उधर होता है बिल्ली उस दीपक को फूं करके बुझा देती है, जिससे हम माया के दास बन जाते हैं। माया जब वार करते हैं तो माया के दास बनते हैं, उदास बन जाते हैं। माया पर मुझ पर वार हुआ है
या नहीं है, उसकी निशानी, उसका चिन्ह आप जानना चाहते हैं, तो ब्राह्मण जीवन में जब भी खुशी गुम हो जाती है या उदासी या मायूसी मन पर छा जाती है, तो समझ लेना कि आत्मा पर माया का सूक्ष्म वार हो चुका है। इसलिए बाबा कहते हैं माया की गुलामी हमें अभी सहन नहीं करना है। माया को हार खिलाएंगे तो आपके गले में विजय का हार पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा देह रूपी मकान में या देह रूपी मंदिर में बहुत सुंदर आत्मा का दीपक जगाकर सदा रखना है। अगर मकान में रोशनी नहीं है तो समझ लेना रुलाने वाला जो शनि है वो आपके पीछे लगा है, इसलिए रो, शनि आपके मकान में नहीं है, शनि का ग्रहण आप पर लगा हुआ है। पांचवी बात है, मायाजित बनने के लिए सदा ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रखें। जो बड़े लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, वो जब भी भाषण बाहर देते हैं वो दुश्मन को स्वयं को बचा कर रखने के लिए, दुश्मन धोखे से वार न करें इसके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। तो ऐसे ही माया के राज में रहते हुए माया हमें गफलत से धोखा न दे, इसके लिए ईश्वरीय नशे का कवच सदा पहनकर रखें। जब यह कवच पहनकर रखते हैं तो माया के जो प्रलोभन है, माया के जो आकर्षण है, वो हमारे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। या होगा गॉडली नशा या होगा वर्ल्डली नशा। जब ईश्वरीय नशा होता है तो मायावी नशा आप पर काम नहीं कर सकता है। इसलिए जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है, संसार की जो सर्वोच्च सत्ता है, ऑलमाइटी जो सत्ता है, वो हमें प्राप्त हो चुकी है। इसलिए सदा बड़े रॉयल और ऊंचे नशे में हमें रहना है, और जब हम उस नशे में रहते हैं तो माया हम पर वार नहीं कर सकती, माया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जब दुनिया में कोई बड़े हस्ती का आप पर हाथ होता है या आपको बैकबोन होता है तो पोजीशन उसकी होती है लेकिन नशा आपको चढ़ता है। तो मेरा जो बाप है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो मेरा बैकबोन है, इसलिए माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ऐसे नशे में, ऐसे फकूर में, ऐसे खुमारी में जब हम रहते हैं तो माया हम पर वार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये हमारी रूहानी मिलिट्री है। इस रूहानी मिलिट्री का पहला मार्शल लॉ है, अटेंशन प्लीज, अपने पर अटेंशन दो प्लीज, कि मैं आत्मा हूं और ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूं। ऐसे अटेंशन में जब रहते हैं तो दुश्मन हम पर वार करने की हिम्मत नहीं रख सकता। इसलिए हमेशा ईश्वरीय नशे में झूमते रहें। छठवीं बात है, इस बेहद के ड्रामा को देखकर क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन और कहां
क की बोली है ये कौवा की बोली है। क क की जो बोली है उसको हमें परिवर्तन करना है और हंस की बोली बोलना है, हंस के समान बनना है, क्योंकि ये माया के दरवाजे हैं। इन दरवाजों से माया प्रवेश कर सकती है और आत्मा पर वार कर सकती है। इसलिए जो भी हो रहा है और जो भी हो चुका है बहुत अच्छा हो चुका है और बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा जब हम समझते हैं तो ड्रामा के हर दर्श को हम एंजॉय करते हैं और माया से सदा सेफ रखते हैं। इसलिए जो सर्वोच्च डायरेक्टर हैं, उस डायरेक्टर ने ये जो बेहद का ड्रामा बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसमें हमें व्यर्थ चिंतन करके अपने बहुमूल्य समय और संकल्प को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि चढ़ती कला की अनुभूति करने के लिए समय और संकल्प के खजाने को सफल करते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए कभी भी अपने मन में क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसे यह प्रश्न नहीं उठाने हैं। सातवीं बात है, माया जीत बनने के लिए हमेशा स्वयं को अलर्ट रखें। हम सभी इस आध्यात्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, आध्यात्मिक घोड़े। इस आध्यात्मिक दौड़ में जो आत्मिक घोड़े दौड़ रहे हैं वो जितना अलर्ट और एक्टिव होते हैं वो इस रेस में आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं और स्वयं को संपूर्णता की मंजिल के समीप अनुभव करते रहते हैं। इसलिए बाबा ने भी इशारा हमें दिया है, इस वर्ष किसी भी हालत में अलबेलेपन को समाप्त करना है। ये सुस्ती है, अलबेलापन है, ये छठा विकार है लेकिन बड़ा खोटा विकार है। खोटा इसलिए है जो पांचों विकार हमारे से दूर भाग चुके हैं उन्हें वो छठा और अपने पास बुलाता है कि ये सुस्त पड़ा है, आओ पुनः इस पर वार करो, चांस लो। तो ये जो सुस्ती है माया को कुश्ती खेलने के लिए पुनः बुलाती है। ये सुस्त राम है, इसके साथ अच्छी तरह से कुश्ती खेलने आओ। तो इसलिए जब चुस्ती में रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो दुश्मन से सदा बचे रहते हैं। जैसे सीमा पर दुश्मन की सदा नजर टिकी रहती है, ऐसे हमारे पर भी माया दुश्मन की नजर टिकी रहती है। एक स्लोगन हमेशा सामने लिखकर रखें, संगम युग है अल्लाह की बेला, इस अल्लाह की बेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। क्योंकि अलबेला पन जो है यह अर्ध निंद्रा है। सोना अर्थात खोना, तो ऐसे ही अलबेला बनना अर्थात भाग्य को खोना। इसलिए करेंगे चलेंगे कौन संपूर्ण बना है, बहुत समय पड़ा है, ऐसे जो अलबेले पन के संकल्प हैं उन्हें अपने मन में आने नहीं देना है। मुझे ही करना है, मुझे ही नंबर लेना है, मुझे ही एक्टिव अलर्ट रहना है। ऐसी स्थिति में रहेंगे
तो अलबेलापन आपसे विदाई लेगा और बहुत अच्छी स्थिति आपकी सारे दिन भर में रहेगी। इसलिए जो बाबा का इशारा है, जाने जाननहार बाबा जानते हैं, अभी समय बहुत थोड़ा बाकी है, बाबा की इच्छा है कि मेरा हर बच्चा संगम युग की जो उपलब्धियां हैं, जो प्राप्तियां हैं, जो उपलब्धियां हैं, जो वरदान हैं, उन सभी का अनुभव करें, यह बाबा की शुभ इच्छा है। इसलिए हम सदा अलर्ट, एक्टिव और एक्यूरेट रहकर इसका पूरा लाभ लें। आठवीं बात है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब रास्ते में हम चलते हैं, दुर्घटना तभी होती है जब अपने स्वयं पर सावधानी हट जाती है। जब हम दूसरों को देखते हैं, साइट सीन को देखते हैं, तो हमारा अटेंशन अपने पर भूल जाता है, अपने व्हीकल पर भूल जाता है और दुर्घटना घटती है। स्वयं पर ध्यान न रहना अर्थात सावधानी हट जाना, मैं आत्मा हूं, ये सावधानी जब हट जाती है तो हमारी जो पुरुषार्थ रूपी कार है वो अपने मार्ग से, पटरी से नीचे उतरती है, दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हमें किसी को भी देखना नहीं है, साइट सीन को भी देखना नहीं है, अगर देखना भी है तो शिव बाबा को और प्यारे ब्रह्मा बाबा को, जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियां, उन्हों को ही देखना है। क्योंकि जितना हम दूसरों को देखते हैं उतना स्वयं पर हमारा ध्यान कम हो जाता है। हीरो एक्टर जो होता है वो दूसरों को नहीं देखता है, दूसरे उसको देखते हैं। स्वयं पर उसका पूरा ध्यान होने के कारण उसकी हर एक एक्ट जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, इसलिए वो हीरो एक्टर कहलाता है। नवी बात है, किसी में भी हमारी आसक्ति ना हो, हमारे दिल में सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति का झरना बेता रहे। बाबा ने कुछ दिन पहले स्पष्ट कहा, आसक्ति होना अर्थात माया आसक्ति समझना। माया आसक्ति है हमारे पास जब हमारे मन में किसी भी प्रकार की आसक्ति होती है। इस दुनिया का कोई भी रस अनुभव करने की जो रस्सी है, जब आत्मा को बांधने लगती है तो हम माया का गुलाम बन जाते हैं। तो कोई भी रस रूपी रस्सी मुझे ना बांधे, इसलिए बाबा जो सर्व रसों का भंडार है, सर्व प्राप्तियों का भंडार है, सर्व खजानों का भंडार है, उसको ही अपना संसार बनाए तो इस संसार से स्वतः ही हमारा वैराग्य अनुभव होता जाएगा। क्योंकि जितना इस संसार से वैराग्य अनुभव होता है उतना ही परमात्मा से अनुराग अर्थात प्यार हमारा बढ़ता जाता है। इसलिए एकांत में बैठकर हम चेक करें, इस ग्लोब पर कोई ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है, मेरी आसक्ति उसमें है। ऐसा स्थान न हो, उससे सभी से हम डिटैच हो जाएं,
और बाबा के पास सदा बैठे रहें, बाबा को अपना संसार बनाएं, तो माया हम पर वार नहीं कर सकती। सदा माया जित स्थिति हमारी बनी रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि आपके आंखों में हमेशा नई दुनिया बसी रहे, सूक्ष्म वतन घर बसा रहे, परम धाम रूपी प्यारा घर बसा रहे, तो स्वतः ही इस दुनिया से बुद्धि रूपी लंगर हमारा उठने लगता है। दसवीं बात है, कई ब्राह्मण कहते हैं कि क्या सारे संगम योग हम युद्ध ही माया से करते रहेंगे, कि सारा हमारा संगम योग युद्ध में ही बीतेगा। अगर युद्ध में ही बीतेगा तो विजय का नशा, विजय का मजा, विजय की खुशी कब अनुभव करेंगे? अब सवाल ये उठता है, ये युद्ध कब तक चलेगा? तो जब तक माया आत्मा है अशुद्ध, तब तक चलता रहेगा यह युद्ध। आत्मा में जो अशुद्धि है, जो विकारों के अंश हैं, वो माया की प्रॉपर्टी है। वो जब तक वापस उसको नहीं करते हैं, तब तक वो हमारे से युद्ध करना बंद नहीं करेगी। इसलिए जो बाबा का हमें इशारा मिला है कि इस वर्ष पुराने संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ। जो भी पुराने संस्कार हैं, उनके अंश हैं, उनके वंश हैं, योगाग्नि में भस्म करो, तभी नई दुनिया के लिए नए संस्कार, दैवी संस्कार धारण कर सकेंगे। इसलिए योगाभ्यास को प्रखर करें। विशेष जब बैठक का योग करते हैं, अमृत वेले या नमाज शाम के समय शक्तिशाली योगाभ्यास की अनुभूति करते रहें, क्योंकि योग की अग्नि से ही, कामाग्नि कहें या क्रोधाग्नि कहें, नष्ट होती है। विकारों के जो अंश हैं वो भस्म हो जाते हैं। इसलिए हमें योगाभ्यास के क्वालिटी को बढ़ाते रहना है, और माया से जो युद्ध हो रहा है वो समाप्त करना है, और जो बाकी संगम युग का समय है उसमें विजय स्थिति का अनुभव करते रहें। संगम का असली मौज या मस्ती की अनुभूति, भगवान के साथ की अनुभूति अच्छी तरह से अनुभव करते रहें। तो ऐसे इन 10 बातों का अभ्यास करेंगे तो विजयीपन की स्थिति आपको अनुभव होती रहेगी, आपके चेहरे पर विजय का नशा छाया रहेगा। आप देखेंगे जब क्रिकेट की मैच पूरी होती है तो जो मैच जीतती है उनका चेहरा देखेंगे तो वो खुशी में झूमते हैं, नाचते हैं, और जो मैच हार देती है वो अपना चेहरा छिपाते हैं, बिल्कुल उनका चेहरा मायूस होता है, बुझा हुआ रहता है। तो ऐसे ही युद्ध के क्षेत्र में युधिष्ठिर बाबा जो हमारे पर मेहनत कर रहे हैं, माया से युद्ध करने की जो कला सिखा रहे हैं, उसका प्रमाण हमें देना है विजयपन की स्थिति की अनुभूति करके। तो स्वतः ही बाबा भी हमारी स्थिति को ऊंचा देखकर खुश होते रहेंगे और हमें भी खुशी की अनुभूति होती रहेगी। तो अभी हमारा एक संकल्प है, बाबा ने ईश्वर हमें इशारा दिया है कि हमें अनुभव की अथॉरिटी बनना है। बाबा जो हमें इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं,
उस उच्च कोटि के ज्ञान की ब्यूटी है, बहुत सुंदर और गहन अलौकिक अनुभव करने में। तो हम ऐसा चाहेंगे कि हम चंद घड़ियों के लिए बहुत सुंदर योग की अनुभूति करें। बोलो आप करना चाहेंगे, कौन करना चाहेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। बहुत अच्छा, तो सभी एकदम शांति से बैठे, कोई भी बीच में नहीं उठे, सभा को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ऐसा सुंदर हम अनुभव करेंगे जो आपको सदा के लिए याद रहेगा। तो चले हम सभी बहुत सुंदर अनुभूति में खो जाएंगे। सभी थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठेंगे, एकदम चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे, ऐसा ही अनुभव करेंगे कि अमृत वेले 4 बजे जब हम भगवान के साथ मधुर मिलन मनाने बैठते हैं, ऐसे ही अभी बैठ निभाने आया हूं, जब चाहूं जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करो। सचमुच सारे संसार को भाग्य बांटने वाले भाग्य विधाता की मैं भाग्यवान संतान हूं। खुश नसीब आत्मा हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो कितना सुंदर है यह मेरा प्यारा मूल वतन। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओहो मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे बाबुल मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल ऐसा कहता है कि बाबा के सुंदर सभी को मैं आत्मा देखती ही रहूं, जी भर के देखने का आनंद लेती ही रहूं। बाबा मेरे नैनों का नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में बस बाबा ही बाबा हैं।
बाबा बाबा मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था बाबा कि आप मुझे अपनाओगे, कभी नहीं सोचा था। मैं आत्मा दुख के सागर में चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, छटपटा रही थी, और हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया बाबा। जो उपकार आपने मुझ पर किया बाबा, नहीं भूल सकती बाबा, नहीं भूल सकती। बाबा ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, ज्ञान सूर्य बाबा से शक्तियों की प्रखर किरणें, शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा था शक्तियां अथा शक्तियां ग्रहण कर रही हूं, योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पांव भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम हल्की फुल्की अनुभव कर रही हूं। शक्तियों के सागर बाप से शक्तियों के किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा परम धाम से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर आ रही है, और इस साकारी शरीर में ब्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हैं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगें चारों ओर फैल रही हैं, इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली
बना रही है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक ज्योति बिंदु सितारा। ओम शांति शांति शांति। शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई जी का, जिन्होंने ज्ञान और योग का गहन अनुभव कराया।